हाय गाइस, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी के लिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। और आप लोग सोचते हैं शाम के 6:30 ही क्यों बोलती है? शाम के 6:30 इसलिए बोलती हूँ कि मैं 6:30 बजे ही योगा करती हूँ। तो 6:30 बजे का टाइम ही मेरा शाम का योगा करने का, और सुबह मेरा 6 और 7:30 तक पार्क में रहने का टाइम होता है। तो बस यही है लाइफ रूटीन मेरी। और कहीं अगर बाहर टूर पे जाती हूँ तो मैं टूर भी करवाऊंगी। ठीक है, आइए बातें तो हम करते रहेंगे, मगर फर्स्ट हमें करना है योगा, राइट? तो हम लोग सिर से करेंगे कुछ मिक्स एक्सरसाइज और योगा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। अरे मैं घड़ी मैंने पहनना भूल गई, तो मैं घड़ी पहनती हूँ। इसमें सारा मेरा कितना वॉक किया, क्या किया, इसमें टोटल सेव रहता है। तो घड़ी पहननी, स्मार्ट वॉच जरूरी होती है, तो घड़ी पहनना भी जरूरी है। ठीक है ना, तो मैंने पहन ली अपनी घड़ी। मैंने घड़ी पहनी, फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं कल से कोशिश करूंगी कि पार्क में भी वीडियो मैं बनाऊं। तो नेक्स्ट है चेक के लिए, जिनके यहाँ एक्स्ट्रा मास और चर्बी बहुत जाता है, बढ़ जाता है, उनके लिए। और ऐसे ही गालों के लिए, यहाँ पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, रिंकल नहीं आते, उसके लिए। स्टॉप। स्टॉप। गाइस, आराम आराम से करना है बिल्कुल, ठीक है? ये कमर और पेट के लिए बहुत अच्छा है।
टू साइड एकदम आराम आराम से करना है। स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सिर के लिए। आराम से करना है। पीछे होती हूँ। मैं रिपीट करती रहती हूँ ये, तो आप लोग भी कीजिए ताकि भूले नहीं आप लोग। नेक्स्ट सिर को जमीन पर टच करना है। एकदम आराम आराम से तो गाइज आप लोग कमेंट करके मुझे बता भी दीजिए कि कैसे क्या कर रही हूँ। कुछ अपने बारे में भी बताइए, आप लोग कहाँ तक पहुँचे और क्या कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के समझ के, ठीक है ना? क्योंकि जिम तो हम जाते ही हैं और जो लोग जिम नहीं जा पाते उनके लिए बेस्ट है घर में योगा करना, ठीक है ना? हाथों के एकदम आराम आराम से अब ये वाला दोनों हाथों को पीछे सिंपल सा देखिए, एकदम सिंपल है। बॉडी स्ट्रेच करना, एकदम एकदम फ्री हो रहा है मेरा। एकदम इजी से करना है। रिलैक्स पैरों को इस तरह से रिलैक्स करना है। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो कीजिए अब देखो इस टाइप से आराम आराम से। आराम आराम से करना है।
ऐसे हमको ऐसे झुकना है, एकदम आराम आराम से करना है। बॉडी एकदम रिलैक्स होना चाहिए, एकदम हमारे हड्डी एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम नरम होनी चाहिए, तो ही एक्सरसाइज हो। और इसके लिए हमको डेली रूटीन में लाना पड़ेगा, तब ये आराम से इजीली होगा, हमसे होगा। ठीक है ना गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप, आराम से बैठना है, होल्ड रखना है पैरों को, रिलैक्स, होल्ड रखना है, रिलैक्स, होल्ड रखना है, रिलैक्स, होल्ड रखना है, रिलैक्स। अब इस पैर होल्ड रखना है, रिलैक्स, होल्ड रखना है, रिलैक्स, होल्ड रखना है, रिलैक्स। इस तरह से हमको डेली रूटीन में लेके आना है योगा। ठीक है ना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, आप लोग इतनी मेहनत करती हूँ, जितनी भी करती हूँ, करती तो हो ना, आप लोग देख ही रहे हो ना मुझे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो मेरा। मुझे कहना पड़ता है कि करो यार, ये कोई अच्छा थोड़ी नहीं लगता, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करेंगे, करेंगे ना, मैं वेट करूंगी, है ना। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट हमारी है ताली। गाइस, तो इसी के साथ मेरा वीडियो हुआ ख़त्म और साथ योगा भी ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे पसंद करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फैमिली का इसी तरह ध्यान रखो, उनसे भी कहो कि करें योगा, बड़े बुजुर्ग घर में उनका भी कहो, उनसे भी कहो सॉरी कि बेड पर या ज़मीन पर लेट के कुछ न कुछ एक्सरसाइज योगा करें, ताकि फ्यूचर में जो भी हो आराम प्रॉब्लम्स आती है वो आप पहले से ही ना आए, क्योंकि हम लोग रेगुलर करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो कल फिर हम मिलते हैं नए सेशन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।